सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड विद द डिफरेंट आर्टिकल्स मेंशन इन दिस। सो द फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट दीज आर इनस्ट्रिंग इन आर्टिकल 12 to 35। ये आर्टिकल 12 से 35 जो है, दैट पर्टिकुलर आर्टिकल्स, दो आर्टिकल्स डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो अब पहले देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 से पहले हम ये जाने कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये आया कैसे। सो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, सो फंडामेंटल राइट्स जो है, सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमिटी ने बिल ऑफ राइट्स के लिए डिमांड किया था इन 1928 में। अब उसके बाद मोतीलाल नेहरू की कमिटी के बाद में जो कांग्रेस ने अपने कराची सेशन 1931 में सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया था, कि उन्होंने कहा था कि वी नीड फंडामेंटल राइट्स एंड दीज आर द बेसिक राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द बेसिक राइट्स। क्यों हम फंडामेंटल राइट्स को बेसिक राइट्स कहते हैं? बिकॉज दीज बेसिक राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री। सो दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द बेसिक राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट आर्टिकल 12 एक्चुअली टेल अस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 इट इज रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट वर्ड के डेफिनेशन को बताता है कि ये जो स्टेट जो है ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सो हियर द वर्ड स्टेट इज नॉट एक्चुअली यूज फॉर द पर्पस ऑफ मेंशनिंग अबाउट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द स्टेट, बट ऑन द अदर हैंड इट एक्चुअली एक्सप्लेन अस द डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद दिस। ये हमें बताता है अबाउट पर, इट एक्चुअली इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को इंक्लूड करती है, एंड इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस डेफिनेशन इज गिवन इन आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉज। तो आर्टिकल 13 डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 13 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द लॉज, और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 13, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन केम इन इफेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से जितने भी लॉज हैं वो हमारे सोसाइटी पे, और स्पेशली ये फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से लागू कर दिए गए। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18 डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 14 to 18 एक्चुअली डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, एंड दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 to 18 जो है ये बताती है कि जितने भी पर्सन्स हैं हमारे देश में, जितने भी लोग हैं वो सभी लॉ के सामने इक्वल हैं, एंड दिस मींस दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड, इक्वली प्रोटेक्टेड बाय इक्वली प्रोटेक्टेड बिफोर लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन इज गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस पर्टिकुलर मैटर और दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज मेंशन इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। नाउ कम टू द आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बताती है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी मैटर पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजियन, ये जो डिफरेंट मैटर्स है इस पर हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बल्कि क्यों? बिकॉज वी आर गेटिंग राइट टू इक्वालिटी, एंड फॉर मेंटेनिंग एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट, राइट टू इक्वालिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। एंड नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 16 डील्स विद एबोलिशन ऑफ, सॉरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम कास्ट बेसिस में किसी को
एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे बल्कि किस लिए देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, यानी सबको इक्वल मौका मिलेगा. यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन एंड द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एंड ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यू हैव टू पास. यानी हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो स्कूल हो चाहे किसी भी प्लेसेस में हो, और लेकिन आपको उसे पास करना पड़ेगा, उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है उसकी बेनिफिट मिलेगी. लेकिन यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर रिलीजियन या पर्टिकुलर कास्ट के लिए ये पर्टिकुलर जॉब जो है इसे हम आपको नहीं देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते. चाहे वो हम जेंडर बेसिस में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. हम अगर ये कहेंगे कि महिलाओं को आर्मी में नौकरी नहीं देंगे, हम अगर महिलाओं को बोलेंगे कि कोई फील्ड वर्क में नौकरी नहीं देंगे, तो ये भी जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत स्टॉप की जाती है. यानी आपको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी कास्ट, एनी क्लास, एनी रिलीजियन और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आप किसी पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, और आपको क्या है, आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी पड़ेगी. यानी गवर्नमेंट इज बाउंड, गवर्नमेंट जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे. And Article 17, which is the most important article, fundamental rights, that is what? It is abolish untouchability. So which article deals with the abolition of untouchability? That is Article 17 of the Indian Constitution. So Article 17, जो Indian Constitution के, वो किसी भी तरह की untouchability practice को बर्दाश्त नहीं करेगी. ये क्रिमिनल एक्ट के तहत पड़ता है. यानी आप किसी के साथ में अगर आप कहते हो कि आप पर्टिकुलर कास्ट के, हम आपको टच नहीं करेंगे, आपके हाथों का पानी नहीं पियेंगे, तो ये जो है यहाँ पर अबॉलिश किया जाता है. और इस पर स्ट्रिक्ट जो है एक्शंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं, लॉज है कि आप किसी को कास्ट या क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी स्पेशली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. यानी आजादी के पहले जो अनटचेबिलिटी सिस्टम थी, वो आजादी के बाद पूरे सोसाइटी पे डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को इक्वल बनाने के लिए और पूरे सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर हमारे देश में जो एज और प्रैक्टिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी, उसे खत्म करना सबसे जरूरी था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सेक्शन, नॉट ओनली फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर क्लॉज, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज इंक्लूडेड एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन्स फंडामेंटल राइट्स पार्ट आर्टिकल 17. नाउ आर्टिकल 18, इट डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एक्सेप्ट मिलिट्री आर्ट, मिलिट्री के जो आपको टाइटल्स मिलते हैं मार्शल वगैरह या फिर एजुकेशनल, इन सबको छोड़ करके बाकी किसी भी तरह का टाइटल जो सोसाइटी पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकती है, इस टाइटल को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. एंड दैट इज डील्स अंडर, दैट कम्स अंडर विच पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर जितने भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन अंडर राइट टू इक्वालिटी. सो अंडर राइट टू इक्वालिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, अंडर दिस देयर आर 5 डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन डिफरेंट आर्टिकल्स. नाउ कम टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 19 to 22. अब चलते हैं आर्टिकल 19 to 22. एंड आर्टिकल 19 to 22 डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद राइट टू फ्रीडम. सो विच आर्टिकल्स डील्स विद राइट टू फ्रीडम? आर्टिकल 19 से 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम से डील करती है. नाउ कम टू डिटेल डिस्कशन अबाउट आर्टिकल 19, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. तो आर्टिकल 19 जो है, अंडर आर्टिकल 19 देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. अंडर आर्टिकल 19 इटसेल्फ जो है 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं. एंड दीज 6 फंडामेंटल राइट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. आप किसी भी जगह पे असेंबल कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुली होनी चाहिए, उसमें आर्म्स का यूज नहीं होना चाहिए. आप इंडिया में किसी भी जगह पर जाकर सेटल हो सकते हैं, टेरिटरी में आप कोई भी जॉब या कोई भी प्रोफेशन आजमा सकते हैं. तो ये है आपके 6 डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स एंड दीज आर मेंशन इन आर्टिकल 19 इन डिफरेंट क्लॉज. एंड दीज आर लाइक आर्टिकल 19 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई एंड क्लॉज
F, तो यानी different clauses, there are 6 clauses are mentioned under Article 19 of the Indian Constitution. Now, come to the next important article, that is Article 20. Article 20 क्या हमें देती है? Protection in respect of the conviction for offences. मान लीजिए कि आपने कोई offence किया है, लेकिन इस पर भी लोगों को protection चाहिए. जैसे कि आप एक ही जो काम है, एक ही मान लीजिए किसी ने crime किया है, उसी व्यक्ति को एक बार सजा हो गई है guilty पाने के बाद में, लेकिन दोबारा फिर उसी crime के लिए उस व्यक्ति को दो बार आप same offence के लिए उसे punishment नहीं दे सकते हैं, यानी आपकी सजा एक ही बार एक पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड होगी. नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी लॉ अगर आज के टाइम पे पास हो रही है और हम उसमें बोल रहे पर्टिकुलर एक्टिविटी एक्स वाई जेड जो है इसे हम आज से प्रोहिबिट करते हैं और ये जो है ये क्राइम है, लेकिन अगर ये आपके बैकडेटेड में अगर आप इसे लागू करना चाहते हो, आज से एक साल पहले किसी ने हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई क्राइम किया हो, किसी उसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, कॉन्फ्लिक्ट किया हो, लेकिन हम उसे एक साल पहले कि उस पर्टिकुलर गिल्टी पर्सन पर अगर लागू करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कोई भी लॉ बैक डेटेड में कभी भी अप्लाई नहीं होगी. अगर उसे आज पास किया गया है तो उसे आज से यानी जिस डेट से उसे बोला जाएगा उस डेट से ही उसे इम्प्लीमेंट करना है, ना कि उसे हम बैक डेट में इम्प्लीमेंट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 21. Article 21 of the Indian Constitution which provides protection of life and personal liberty. Yani logo ki life aur personal liberty ko protect karne wale kaun si fundamental right hai? That is Article 21 of the Indian Constitution. Article 21 of the Indian Constitution deals with what? Protection of life and personal liberty. Now protection of life ka matlab kya hai? Protection of life ka matlab ek taraf se hum dekhte hai ki अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को मारकर चला जाता है तो वो भी उसे हर्ट करता है, वो भी उसके मेंटल प्रॉब्लम्स को मेंटल उसका टॉर्चरिंग हो सकती है, या कोई किसी पर छुरी चला देता है, चाकू, ये तो है. लेकिन इसके अलावा आज के टाइम पे इस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज किया जा रहा है, इसे केवल केवल एक पर्टिकुलर क्राइम जो है उसी से रिलेटेड नहीं, बल्कि आज के टाइम पे द गवर्नमेंट इज वेरी मच रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फ्रेश वाटर, लोगों को फ्रेश वाटर अवेलेबल करे, क्योंकि अगर लोग अगर फ्रेश वाटर अगर उनको नहीं मिलता है, डेली अगर आपके नल पे गंदा पानी आ रहा है, या फिर आपको एरिया पे क्लीननेस को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स. इसका मतलब यह है कि पानी अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं तो उस गंदा पानी से हमारे शरीर पर कई तरह की बीमारियां हो सकती है, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फ्रेश वाटर टू द पीपल, टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री. इसके अलावा हमारे एरियाज में, हमारे देश में जो पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से भी जो है लाइफ ऑफ द पीपल इज ऑल्सो गोइंग टू थ्रेट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. तो हमें इस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, एंड द डिफरेंट मेजर्स मस्ट बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस पोल्यूशन. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. सो इनमें से सबसे हार्मफुल है आपका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. तो इन सबको किस तरह से कंट्रोल करेंगे ताकि आप अपने देश के लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए, यानी नाउ इट इज नॉट जस्ट अ लिमिटेड राइट, इट बिकम्स अ वेरी ब्रॉड फंडामेंटल राइट. यहाँ पर आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड मुद्दे विच कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कम टू आर्टिकल 21 क्लॉज ए. आर्टिकल 21 क्लॉज ए विच इज एक्चुअली डील्स विद द राइट टू एजुकेशन. तो आरटीई जो कब इंप्लीमेंट किया गया, इट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स बाय 86 अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002. द राइट टू एजुकेशन इज नाउ अ फंडामेंटल राइट जिसमें 6 से 14 इयर्स तक के स्टूडेंट के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, एंड दिस एजुकेशन इज अ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल 6 टू 14 इयर्स एज, ताकि हम अपने देश में 100% लिटरेसी रेट कर पाए, 100% हमारे देश की जनता एजुकेटेड हो, और उसके बाद उन्हें डिफरेंट फैसिलिटीज और स्किल्स के लिए फिर ट्रेनिंग दी जाए. लेकिन इन सब के लिए बेसिक एजुकेशन बच्चों का होना बहुत जरूरी है,
और उसके लिए लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलना भी जरूरी है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है, ज्यादातर जनसंख्या जो है वो गरीबी है, रेखा के नीचे है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में या कई जगह टाउन्स पे ऐसे पिछड़े इलाकों में जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उनके माँ पिताजी हो सकता है कहीं ना कहीं काम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, स्पेशली गर्ल्स, जो अपने यंगर सिबलिंग्स को संभालने के लिए उनको घर पर रुकना पड़ता है, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे दशा में अगर उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए और साथ ही साथ मिड डे मील की भी फैसिलिटीज जो है बच्चों को अवेलेबल कराई जा रही है, ताकि बच्चे स्कूल में एनरोल करें और जो है अपने बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। बच्चों के लिए बुक्स फ्री है, बच्चों के लिए लंच जो है प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि गरीब से गरीब नागरिक भी हमारे देश का पढ़ाई लिखाई करके 100% लिटरेसी हमारे देश का कर पाए, लिटरेट पीपल हो पाए। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये बताती है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर केस के लिए अरेस्ट किया गया, डिटेंशन किया गया, तो उसके क्या क्या राइट्स है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एक अरेस्टेड पर्सन के अपने क्या क्या राइट होते हैं। सो आर्टिकल 22 grants प्रोटेक्शन टू persons who आर arrested और detained। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 confers following rights on the person who is arrested or detained under an ordinary law. So right to be informed, इन्हें ये बताना जरूरी है कि कौन से ग्राउंड में पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया है, on what ground I am going to arrest particular x y z person। हम ए बी सी या सीता मीता गीता जो भी है, किसी भी नाम के व्यक्ति को हमने क्यों अरेस्ट किया, ये बताना जरूरी है। एंड राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर एंड राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, यानी मजिस्ट्रेट के पास में 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को हम पकड़े हैं, अरेस्ट किए हैं, तो उन्हें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स के अंदर हमें ले जाना चाहिए और उसे प्रेजेंट करना है। एंड प्रेजेंट करने के साथ साथ पुलिस को वो सारे जो सबूत देने पड़ेंगे जिससे वो प्रूव कर पाए कि हमने जिस ग्राउंड में इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अरेस्ट किया है, एंड दिस ग्राउंड इज करेक्ट, वो करेक्ट है, ना कि किसी फॉल्स रीजन में या अपने किसी पर्सनल रीजन के लिए हमने किसी को अरेस्ट तो नहीं किया है। तो दिस इज कम्स अंडर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। और एक पॉइंट जो रिलेटेड है आर्टिकल 20 से, दैट इज द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परमिशन फॉर ऑफेंसेस। यानी यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, तो हम कोई भी पुलिस या कोई भी व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने अगेंस्ट में खुद ही सबूत देने के लिए कंपेल नहीं कर सकती है। यानी किस कौन फिर जो है उनके लिए एविडेंसेस अरेंज करेगा, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। This is the duty of the police to arrange the evidences against that particular guilty person जिसको उन्होंने arrest किया है, ना कि उस व्यक्ति को compel किया जाएगा कि आपको मानना ही पड़ेगा कि आपने गलती की है और आपको अपने against में ही जो है जो बयान देना पड़ेगा, तो ऐसा आप compel नहीं कर सकते हैं। Now the next fundamental right, that is article 23 and article 24. Article 23 and Article 24 is deals with right against exploitation. यानी ये बहुत important right है। लोगों का exploitation कई सारे field पे होता है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज करते जाते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने इन अधिकारों को जानना है कि अगर कोई हमारा exploitation कर रहा है, तो हमारे पास क्या right है जिससे हम उसके against जो है complaint जो है direct कर सकते हैं। So that is Article 23 and 24 which provides right against exploitation to each and every individual. And this Article 23 is actually prohibition of traffic in human beings and forced labor. यानी आपका फोर्स लेबर, जबरदस्ती लोग किसी से बेगार नहीं कर सकते हैं, लोग किसी को किडनैप नहीं कर सकते हैं, लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आए दिन बच्चों की चोरी होती है, तो ये सारी चीजें गलत है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर द वेरी सीवियर क्राइम। तो इस क्राइम के अगेंस्ट में आपके पास में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। कोई अगर कहीं काम कर रहा है और उसे जबरदस्ती बिना पैसे के काम कराया जा रहा है, फोर्सफुली काम कराया जा रहा है,
तो यहाँ पर ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है और इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में आप कोर्ट पे जा करके जो है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंप्लेन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट दैट इज आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 इज द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डस जॉब। यानी आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर किसी फैक्ट्री पे, किसी हैजर्डस जॉब पे काम पे लगा रहे हैं तो ये भी क्राइम है, ये भी रोका गया है अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिट्स बाय द Constitution itself, यानी these rights are mentioned in the Constitution, और that's right, these are very important fundamental rights. The right against exploitation is also very important to all of us. कि कहीं किसी भी क्षेत्र में आपका exploitation तो नहीं हो रहा है, किसी field में आपका exploitation तो नहीं हो रहा है. So be vigilant people. Now the next one, that is Article 25-28. Article 25 to Article 28. Article 25 to 28 deals with what? It deals with right to freedom of religion. So we all know that India is a secular country, and this fundamental right is also very important to protect the nature of secular state. Article 25, it deals with the freedom of conscience. And Article 26, freedom to manage religious affairs. यानी आप इस आर्टिकल्स के हिसाब से अंडर दिस फंडामेंटल राइट कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के साथ को चल सकता है, उस धर्म के नियमों से अगर चलने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई अपने रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहता है तो वो उसे कन्वर्ट भी कर सकता है, और अगर मान लीजिए कोई किसी धर्म को नहीं भी मानना चाहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन कि वो क्या चाहता है, वो किसी भी धर्म को मानकर चलना चाहता है या धर्म को नहीं मानकर चलना चाहता है ये। और नेक्स्ट दैट इज आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है वो मैनेज करती है रिलीजियस अफेयर्स को। एंड आर्टिकल 27 इट स्पेल आउट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ अ स्टेट। ये बताती है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट एंड ऑन दिस बेसिस द स्टेट हैज नॉट एनी ऑफिशियल रिलीजियन। And Article 28 deals with the freedom of attending religious instructions in different religious institution. अगर कोई particular religious institution है और वहाँ पर कोई अपने students को religious instructions दे रहा है तो उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन अगर कोई अगर उस religious instructions को नहीं लेना चाहता तो आप उसे compel भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे यह अधिकार है कि वो चाहे तो पर्टिकुलर रिलीजियंस को फॉलो करे या ना चाहे तो वो उस रिलीजियस सिस्टम को फॉलो ना भी करे। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट एंड इट इज कम्स अंडर आर्टिकल 29-30 एंड दीज आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड दीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज। What do you mean by minorities? Take example, अगर आप किसी non-Hindi speaking state में हैं, तो वहाँ आप minority में होंगे, ठीक इस तरह से अगर आप किसी हिंदी belt में हैं और वहाँ पर आपकी भाषा बोलने वाले लोग का जैसे या तो उड़िया या तो बंगाली या तेलुगु या मराठी, तो ऐसे दशा में क्या वहाँ पर बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने कल्चर को enjoy नहीं करेंगे, अपने religious tradition, अपने trend को follow नहीं करेंगे? तो ऐसे दशा में ये उन लोगों के लिए स्पेशल राइट्स है विच कम्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज दिस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जिस जगह पे कोई एक भाषा है इट इज स्पेशली बेस्ड ऑन व्हाट दैट द लैंग्वेज की आपके भाषा के हिसाब से जो है आप अपने स्कूल पे जा सकते हैं, अपने लैंग्वेज वाले स्कूल में जा सकते हैं। अगर मान लो कोई अगर बंगाल में है और वहाँ पर वो लेकिन वो बंगाली नहीं है, उड़िया भाषा में जो है पढ़ाई करना चाहता है, उसकी मातृभाषा जो है वो उड़िया है, तो उड़िया स्कूल वहाँ पर जो है उड़िया कम्युनिटी के लिए स्पेशली बनाई जाए ताकि उड़िया भाषा में वो अपनी पढ़ाई को अपनी जो है मदर लैंग्वेज में मदर टंग में वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। ये अधिकार जो है हमारे देश की जनता को दी गई। व्हाई इट इज गिवन? वी ऑल नो दैट
इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है और बच्चे को, एक साधारण बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई जितनी ज्यादा समझ में आएगी उतनी शायद दूसरी भाषा में ना आए. सो दैट्स व्हाई. और इसके साथ साथ एवरी रीजन हैज डिफरेंट कल्चर एंड टू प्रोटेक्ट ऑल दी यूनिक कल्चर, डिफरेंट कल्चर, ताकि हम अपने देश के डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर पाए, अपने देश की यूनिटी को भी प्रोटेक्ट कर पाए. सो दैट्स व्हाई दिस कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आर गिवन अंडर द फंडामेंटल राइट्स. नाउ आर्टिकल 32 is a very important fundamental right, and this is right to constitutional remedies. And Dr. B.R. Ambedkar, who is known as the father of the Indian Constitution, calls this fundamental right as the heart and soul of the Indian Constitution. बहुत सारे competitive exam में ये पूछा गया कि which article is known as heart and soul of the Indian Constitution, that is Article 32 of Indian Constitution. And what is this Article 32 of Indian Constitution? It is right to constitutional remedies. And under this article, under this right, we are getting that the Supreme Court can impose special orders which are known as writ. और स्पेशल ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो प्रोटेक्शन के लिए रीट्स इशू कर सकते हैं. एंड दीज रीट्स आर व्हाट? दीज रीट्स आर स्पेशल ऑर्डर. फॉर एग्जांपल हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियरी, कोवारेंटो एंड प्रोहिबिशन. अबाउट दीज रीट्स वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द डिफरेंट लेक्चर, डिफरेंट वीडियो लेक्चर. So this is the last fundamental right, but it is not the least fundamental right, and that is Article 32. Then who said that Article 32 is a heart and soul of Indian Constitution? So it is mentioned by B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. So that's all about this particular fundamental rights video. This fundamental rights mein humne 6 fundamental rights ko detail mein discuss kiya, but there are some certain exception which is related with this fundamental rights part, that is right to property. To original constitution mein 7 fundamental rights mention kiye gaye the, but later this right to property deleted. Lekin baad mein ye right to property jo hai wo fundamental right ki list se delete kar ise 44th constitution amendment ke तहत लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया. एंड दिस लीगल राइट्स आर मेंशन अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इफ यू आर टेकिंग प्रिपरेशन फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट लिस्ट. इट इज अंडर 44th. बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी deleted from the list of the fundamental right. Now it is under which article? It is under article 300A, and this is what? This is legal right. And it is in which part? It is in part 12 of the Indian Constitution. Next important point related with this fundamental right, that is article 358. What article 358 provides? That अब तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स, वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल, बट दीज आर नॉट एक्चुअली द एब्सोल्यूट राइट्स. यानी ये नहीं है कि आप इसमें इसको रोक नहीं सकते हो. अगर लोग बोले कि नहीं भाई आप हमारे इस राइट को कभी भी हमसे छीन नहीं सकते, रोक नहीं सकते, बट यस देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, इसे हम सस्पेंड भी कर सकते हैं. तो ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द गवर्नमेंट विल बी एबल टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? सो इट इज ऑन द occasion on the problem of the national emergency. जब national emergency impose की जाएगी तब जो है specially article 19 जो है, article 19 के जितने clauses है सबको suspend कर दिया जाएगा under national emergency. अगर due to war, internal problems, अगर मान लो internal कुछ problems है, aggression है, war है, external threats है और ऐसे के सब पे अगर हम national emergency impose करते हैं तब जो है आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा. एंड इट इज मेंशन इन विच आर्टिकल? इट इज मेंशन इन आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 359. आर्टिकल 359 प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट 20 एंड 21. यानी आर्टिकल 20 और 21 जो है इसे हम ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड
ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 359 एंड व्हाट आर दोज आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 व्हिच डील्स विद व्हाट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 21 व्हिच डील्स विद व्हाट Article 21, Protection of Life and Personal Liberty and Article 20, Protection in Respect of Conviction for Offences. यानी जो offences है, उस offences के तहत जो है कोई गलती, कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष लोगों को भी जो है जेल में चले जाते हैं धोखे से और ऐसे दशा में उनकी protection भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो इन सब के लिए ये rights जो है बहुत ही important है. So let's recapitulate again. So which part of the Indian Constitution deals with the fundamental rights? Part 3 of the Indian Constitution deals with the fundamental right. What are the articles comes under the fundamental rights part 3? These are the articles 12 to 35 deals with the fundamental right. And what? Where we get the definition of the state in fundamental rights? It is in article 12. Article 12 deals with the definition of the state and article 13 deals with the definition of laws. And which article deals with right to equality? Article 14 to 18 deals with right to equality. And how many fundamental rights are mentioned under right to equality? There are 5 fundamental rights are mentioned under right to equality. And which article deals with how many fundamental rights are mentioned under 19 of the Indian Constitution? So the basic laws, basic rights which are mentioned under Article 19, these are the 6 in numbers. And right to freedom, it is also the very important fundamental right. And which articles deals with right to freedom of religion? Article 25 to 28 deals with the right to freedom of religion. So these are the important fundamental rights. Which article prohibits the employment of the children in the hazardous job? It is Article 24 of the Indian Constitution. And which article deals with the prohibition of the human trafficking or the forced labor? It is Article 23 of the Indian Constitution. And which article is known as heart and soul of the Constitution? That is Article 32, and this is right to constitutional remedies. So this is all about fundamental rights. I hope that आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, आर्टिकल्स बहुत ही आसानी से लाइन टू लाइन आपको याद हो जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. और ड्यूरिंग दिस पीरियड विच इज द वेरी क्रूशियल टाइम फॉर आवर कंट्री, प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड सेव द एनवायरमेंट, सेव द पीपल एंड सेव योर फैमिली एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.